हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज हम परमानेंट मैग्नेट स्टार्ट करेंगे। आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में डालना, तो उसको हम उस पॉइंट को दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनमें, जैसे ये आपका मान लीजिए पेन है और ये परमानेंट मैग्नेट है, इसमें जो नॉर्थ और साउथ अंदर होते हैं वो थोड़ा इनसाइड होते हैं, मतलब सरफेस पर नहीं होते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं परमानेंट मैग्नेट की, उसमें ये प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जिस प्लेस पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी या रिपल्सिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम है, उसको हम पोल कहते हैं। यहाँ हमने बनाया है, ये परमानेंट मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसकी टोटल लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाती है, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ लिखा है, और नॉर्थ और साउथ के बीच की जो लेंथ है वो मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, एट पोल अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव प्रॉपर्टीज मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर यानी या इसका अपोजिट समझ लें कि जहाँ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है उसको हम पोल बोलते हैं। पोल जो है वो अंदर एग्जिस्ट करते हैं थोड़ा। ये जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, ये हमने सेकंड पॉइंट में नोट किया है, मैग्नेटिक लेंथ नियरली 5/6 है ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ के। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमने नोट कर रखा है कि 5/6 होती है, यानी कि थोड़ा अंदर होते हैं नॉर्थ और जो साउथ पोल होते हैं। ठीक है ना, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक ये है, जैसे ये कोई मैग्नेट है, इसके नॉर्थ साउथ को हम मिला दें, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ साउथ, इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। यहाँ हमने नोट किया है लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल, ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाता है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल, और मैग्नेटिक मेरिडियन इसकी परपेंडिकुलर प्लेन होता है। देखिए, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसके अंदर होगा नॉर्थ साउथ, ये जो लाइन सेंटर से नॉर्थ साउथ को मिला देंगे, ये तो आपकी है मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जो प्लेन होगा ऐसे, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी परपेंडिकुलर। तो वो आप नोट कर लें, हम बोल रहे हैं, लिखिए द वर्टिकल प्लेन, इसको बनाएं पहले। नोट कर लो पहले, बाद में कर लेना। ये हमने लिखा दिया है कि लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। द वर्टिकल प्लेन, लिखिए पासिंग थ्रू द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर से बोल रहे हैं, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे किसी हम मैग्नेट को, यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम मैग्नेट को एक थ्रेड से ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड कर दें, तो क्या होता है कि हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को टिकेगा। ठीक है, इसका जो नॉर्थ पोल है, ये इधर को हमारा साउथ है, तो ये वाला पोल साउथ पोल कहलाता है, और ये जो नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है जो, उसका ये हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है सामने। ठीक है ना, इसका ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर, ये कहलाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए ना बात को। दूसरी बात कि आपको मालूम है कि अर्थ जो है वो ऐसे, हम आगे अर्थ मैग्नेटिज्म इसी का जो पार्ट है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अर्थ ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसके अंदर ये रखा हुआ है ग्लोब, इसमें अर्थ ऐसे बिहेव करता है कि जैसे इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट पड़ा हो, और वो परमानेंट मैग्नेट, ये तो हमारा जियोग्राफिकल है आपका पोल, ये भी जियोग्राफिकल पोल है। ठीक है ना, ये नॉर्थ और ये साउथ, लेकिन इसका जो मैग्नेट अंदर है, ये आप रॉड अंदर डाल दीजिए, यहाँ पर ये नियर कनाडा पड़ता है, और इसको क्रॉस कर दीजिए यहाँ से, तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है अर्थ कि जैसे इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट पड़ा हो। आप यहाँ ध्यान देना, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, जो मैग्नेट है उसका हम साउथ लेते हैं, क्योंकि आपने जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लिया है उसका नॉर्थ जो होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ लिया है, तो नेचुरल है नॉर्थ साउथ के पास होगा, तो इसके अंदर जो मैग्नेट पड़ा है वो उसका साउथ माना जाता है, वहाँ पर है। आप समझ गए ना, ओल्ड टाइम में लोग जर्नी करते थे, उसी हिसाब से उन्होंने मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ रख लिया था, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ था उसकी तरफ नॉर्थ बोल दिया था, क्योंकि वो उसको यूज करते थे।
ठीक है ना, हम इसके मैग्नेट को बाद में आएंगे। अब दूसरी बात ध्यान रखना, ये बात आप समझ गए कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो आपका आएगा अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट करते हैं। ठीक, पोल जो है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होते हैं। आप लिख सकते हैं पोल एग्जिस्ट इन पेयर, पोल थ्योरेटिकल टॉपिक है थोड़ा, एग्जिस्ट इन पेयर। जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं नॉर्थ साउथ। जैसे ये मैग्नेट है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में तो फिर नॉर्थ साउथ वहाँ बन जाएगा। आप पार्ट करते जाइए करते जाइए, इवन देन अगर आप एक उसमें आते हैं एटम पर तो उसमें भी ध्यान दें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो भी वहाँ पर नॉर्थ साउथ बनेगा। यानी कि हमेशा पोल जो है वो पेयर में रहते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, इंडिविजुअल नॉर्थ और साउथ पोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हमने लिख दिया है पोल एग्जिस्ट इन पेयर। दूसरी बात कि जो सर्कुलर में जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जैसे टोराइड है उसमें ध्यान होगा टोराइड रिंग होती है, उसके अंदर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वहाँ कोई पोल एग्जिस्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उनमें अगर कभी आपको डायरेक्शन वगैरह देखना है, जैसे एरो ये लगा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो वहाँ टेंजेंट डालें और एरो जैसा ये लगा वैसे यहाँ लगा दें, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, ये मान कर कि फील्ड नॉर्थ टू साउथ होता है। समझ में आ गई होगी बात। ठीक, दूसरी बात, ये बात हमने वहाँ पर भी देखा था इलेक्ट्रोस्टेट में कि जो स्योर टेस्ट है वो रिपल्सन होता है अट्रैक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टेट में कूलम्स लॉ में भी ये डिस्कशन किया था, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, ठीक साउथ साउथ रिपेल करेंगे, लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल के पास हमें नॉर्थ लाते हैं तो वो साउथ वहाँ पर क्रिएट कर देता है, तो तब भी अट्रैक्शन होता है जिसमें पहले से मैग्नेट नहीं है। तो इसलिए रिपल्सन जो है उससे क्लियर पता लग जाता है कि दूसरे की पोलरिटी क्या है। ठीक, यहाँ पर जो ये जो पोल होते हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल, इसमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ लेते हैं और उसे हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से लिखते हैं या कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में क्यू लिखकर उसमें नीचे स्मॉल एम लगा दिया गया है। हमने डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से लिया है और पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम से लेंगे। पोल स्ट्रेंथ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसकी यूनिट हम अभी आपको एडजस्ट कराएंगे। आप नेक्स्ट देखें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को पहले भी मैं जो डिस्कस कर चुके हैं जो पिछले चैप्टर था उसमें, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को पोल स्ट्रेंथ लिख दें स्मॉल एम या क्यू एम। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको जरा देखने की कोशिश करें, उसे कैपिटल एम से लिखते हैं। परमानेंट मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ ये साउथ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो स्मॉल एम इंटू टू एल होता है, टू एल लेंथ है। ठीक है, वैसे लेंथ होती तो नॉर्थ साउथ है लेकिन अलग से लेंथ देते नहीं है मैग्नेटिक की, लेंथ को आप डायरेक्ट यहाँ पर पुटअप कर दें। स्मॉल एम को क्या बोलते हैं, अभी आपने लिखा पोल स्ट्रेंथ, और कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसका मीनिंग ये है कि किसी मैग्नेट के अंदर ये साउथ है ये नॉर्थ है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ होगा, और लाइनें क्योंकि नॉर्थ से निकल पर साउथ पर जाती हैं और अंदर होती हैं साउथ टू नॉर्थ। ये हमने लाइन एक ऊपर एक नीचे बना दी, ये नॉर्थ से निकलेंगी अंदर सा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो ये डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन आप इसका समझ चुके हैं। दूसरी बात ध्यान रखना कि हमने इसको उस समय कंपेयर कराया था, अगर कोई ये करंट कैरिंग क्वायल है तो यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो हमने करंट ये ले ली, हम इसको रिपीट कर रहे हैं, हम अगर इधर से देखें तो डॉटेड अंदर है और डार्क लाइन बाहर है, तो करंट ऐसे जा रही है मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर इस तरफ नॉर्थ बनेगा
और इस तरफ साउथ बनेगा, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है और इसको लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न करेंट इनटू एरिया, याद होगा NIA, ठीक। और ये परमानेंट मैग्नेट के लिए फार्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक। तो दोनों ही फार्मूले को कंपेयर करके हम स्मॉल m की यूनिट को निकाल लेते हैं, जैसे NIA नंबर ऑफ टर्न, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, और एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर। स्मॉल m की यूनिट हमें निकालनी है, हमने यहाँ मीटर लिखा है, ध्यान रखना, ये स्मॉल m की यूनिट हमें निकालनी है और लेंथ की होगी मीटर, तो ये मीटर आपका कैंसिल हो गया, ठीक। तो यूनिट इससे निकल आई, क्या आई यूनिट आपका, ये एम्पियर मीटर, ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक। तो यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर लिख दे रहा है, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जो है वो एम्पियर इनटू मीटर है, इन दोनों को इक्वल करके हम यूनिट निकाल लेते हैं पोल स्ट्रेंथ की, ओके। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना आप लोग कि जो डाइपोल मोमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी, इसका अगर मान लीजिए कि दो मैग्नेट रखे हों, इस पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं काफ़ी, अगर मान लीजिए आपके कि दो मैग्नेट रखे हुए हैं, एक मैग्नेट ये है, इसका ये हम साउथ ले रहे हैं, ये नॉर्थ ले रहे हैं, और एक मैग्नेट ये है, इसका ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसके एंगल थीटा है, इसका डाइपोल मोमेंट M1 है और इसका M2 है, तो क्या करेंगे कि इसका डायरेक्शन देखें डाइपोल मोमेंट का, ये होगा M1 साउथ टू नॉर्थ, और इसका डायरेक्शन भी ये होगा M2, और इनके बीच में एंगल थीटा, तो नेट डाइपोल मोमेंट का फार्मूला वेक्टर से लगाकर निकलेगा, M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर, छोटे ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में ध्यान रखना, M1 M2 और cos थीटा, ठीक है ना। इससे आप नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लेखें, और डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इसमें अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसमें जो थीटा होता है वो एंगल जो होता है वो जब टेल टू टेल लगाओगे तो ये इनसाइड एंगल होता है, अगर यहाँ इन्होंने ये पलट दिया, जैसे यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करना, मान लो ये साउथ है ये नॉर्थ है और इसको उल्टा रख दें, ये नॉर्थ ये साउथ, ज़रा डायरेक्शन चेक करो, इसका जो डायरेक्शन होगा M1 और इसका M2 का, देखिए M1 का डायरेक्शन ये हुआ और ये एंगल थीटा है, ओके। अब ज़रा इसका डायरेक्शन देखो, ये इधर होगा लेफ्ट को, साउथ टू नॉर्थ, तो इसका जो एरो है वो यहाँ पर लगाएं साउथ टू नॉर्थ। अब जो एंगल लिया जाएगा वो हमने यहाँ पर टेल टू टेल अटैच कर दिया, आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो ये वाला लिया जाएगा, ये नहीं होगा इधर वाला, ठीक है ना, टेल टू टेल एंगल इनसाइड होता है, तो नेचुरल है कि 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी का पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर जो लेंथ ली जाती है वो इस टाइप का, अगर कोई परमानेंट मैग्नेट तुम्हें दे दिया जाए, जैसे ये सेमी सर्कुलर आर्क है, यहाँ पर नॉर्थ है यहाँ पर साउथ है और इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो पोल स्ट्रेंथ इंटू 2R लिया जाएगा, यानी लेंथ बिटवीन नॉर्थ टू साउथ, अगर आर्क की शेप में है तो 2R लिया जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन ये होता है, जनरल क्वेश्चन है काफ़ी बोर्ड का, आपके हो सकता बुक्स में दिया हो, कि मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, ये है, और इसकी लेंथ, लेंथ वहाँ जो भी दे दें, वो लेंथ L दे दें या 2L दे दें, मान लीजिए हमने इसकी लेंथ को 2L ले लिया, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या किया, इसी को बेंट कर दिया सेमी सर्कुलर में, ये बना दिया, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ नॉर्थ ये साउथ, लेकिन अब डिस्टेंस ये लगेगी, तो पूछते हैं कि नया डाइपोल मोमेंट बताओ कितना होगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसकी लेंथ 2L को ये लेंथ के इक्वल करें, तो ये लेंथ कितनी होगी, पाई आर, तो आर हो गया आपका 2L अपान पाई, समझ गए।
अब जो नया डाइपोल मोमेंट बनेगा पोल स्ट्रेंथ उतनी रहेगी इनटू यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 2R। अब ये R की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दें, आप समझ गए होंगे ये लेंथ कितनी है पाई आर, ये लेंथ कितनी थी 2L, और यहाँ ध्यान रखना ये कैपिटल M है स्मॉल M इंटू 2L। तो यहाँ पर R की वैल्यू पुट अप करेंगे 2, तो यहाँ पर लेंथ ये हो गई 2R, यहाँ से यहाँ तक 2 हम पहले लिख ले रहे हैं, R की वैल्यू है 2L अपान पाई। अब देखिए स्मॉल M इंटू 2L की जगह कैपिटल M डाल दें क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जो नया डाइपोल मोमेंट बनेगा वो ट्वाइस एम अपान पाई बनेगा। क्वेश्चन अच्छा है और उसको ध्यान रखा जाए, यानी कि उसको जब हम बेंट कर देंगे तो वो इस फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना कि अगर हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये हमने सेमी सर्कुलर बनाया है, ये यहाँ से हटा दें, हमने ये सेमी सर्कुलर बनाया था, अगर मान लीजिए आपका जो वायर है वो हम पूरा सर्कुलर कर दें तो बताओ क्या बनेगा डाइपोल मोमेंट, वहाँ पर ये वाला ट्वाइस बना रहेगा और स्मॉल एम 2L की जगह कैपिटल एम आ जाएगा। हाँ 2 हमने उधर कर दिया लेफ्ट में, और फिर उसमें जो है आपका, इसलिए आंसर जो होगा वो ट्वाइस एम अपान, हाँ किसी में भी निकाल सकते हैं आप, हैं हाँ इसको जरा बताएं, पूरा सर्किल बना देंगे तब क्या होगा, तब जीरो हो जाएगा क्योंकि वेक्टर सम है, इनकी लेंथ जो नॉर्थ साउथ है वो एक ही पॉइंट पर ज्वाइंट हो गए, तो लेंथ वेक्टर है, डायरेक्ट लेंथ ले रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है लेंथ यहाँ पर, तो जो लेंथ आपने ली है वो लेंथ से के हिसाब से वो दोनों आपके जो होंगे वो कैसा बन गया, पूरा सर्किल हो गया, तो लेंथ का वेक्टर जीरो हो गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट अगर आप सर्किल बनाते हैं तो इसमें जीरो हो जाएगा। समझ गए होंगे ना बात को, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हम इसी केस में लेते हैं, देखिए जब हम किसी मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना, और ब्रेक करने के बाद उसमें फिर से नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाता है उसी पोल स्ट्रेंथ का, अभी बताया था कि मैग्नेट को ब्रेक करते जाओ मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो उसी लेंथ में जो है वो लेंथ जो आपकी होगी वो उतनी रहेगी। लेकिन अगर आपने मान लीजिए इस वायर को ब्रेक करके दो पार्ट में बना दिया, अब जरा बताना इसकी लेंथ टोटल कितनी थी, L 2L थी, बीच से ब्रेक कर दो तो कितनी लेंथ हो गई, ये लेंथ L हो गई और ये भी लेंथ L हो गई, समझ गए होंगे ना बात को, लेंथ जो है वो L हो गई आपकी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर जो हम अगर L लेंथ लेते, वो पेपर में ध्यान रखना, अगर L लेंथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, L बाई 2 हो जाएगा, समझ गए ना, आप बीच से कट नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल सीधे कट कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा बताएं इसका कितना रहेगा डाइपोल बनेगा, यहाँ पर एक वायर का कितना डाइपोल होगा, M डैश नहीं, आपने जब दो पार्ट में ब्रेक किया है इसकी लेंथ पोल स्ट्रेंथ तो उतनी रही, लेंथ L हो गई तो ये M बाई 2 हो गया, अरे M इंटू 2L क्या है, कैपिटल M है, हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, वो तो बाद में करेंगे, पहले एक का तो निकाल लें, हाँ पहले उसको नोट करें, ये M बाई 2 होगा, ये M बाई 2 होगा, अब दोनों कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री पर हैं, इसलिए नेट के लिए पाइथागोरस लगा दें, आप समझ गए ना ये क्वेश्चन, हमने जो ये रॉड था, ये रॉड ऐसे है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया ठीक, और दोनों को 90 डिग्री पर रख दिया, अब कोई भी क्वेश्चन आए वो 60 डिग्री पर रखें 30 डिग्री पर रखें, वो आप अपना उसी हिसाब से, याद होगा वेक्टर में कि जब 60 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, रूट थ्री टाइम्स, 120 डिग्री पर रिजल्टेंट सेम, ये वेक्टर को आप जरूर पढ़ें, बिना वेक्टर के ना तो इलेक्ट्रोस्टेट और ना मैग्नेटिज्म दोनों ही नहीं पॉसिबल हो सकते हैं, तो एम बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एम बाई 2 का होल स्क्वायर, समझ गए ना, तो रूट टू टाइम्स हो जाएगा एम अपान 2 इंटू रूट 2, तो रिजल्ट हो गया एम अपान रूट 2, ठीक है ना, यानी कि हमने रॉड को दो पार्ट में ब्रेक किया
और ब्रेक करने के बाद उसको फिर से 90 डिग्री पर अटैच कर दिया। बाकी आप ध्यान रखना कि अगर 60 डिग्री पर अटैच करें या किसी अदर पर अटैच करें तो आप उसी हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर, आपको ध्यान होगा कि हम एक्सियल और इक्वेटोरियल के फार्मूले ड्राइव करते थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी फार्मूले जो हैं वो एक्सियल और इक्वेटोरियल के हैं, और उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मान लीजिए वहाँ पर ये आता है तो आप इसको जो है वो फार्मूले अगर आपको आते हैं तो फार्मूले आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो वो फार्मूले दिए गए हैं आपको वो डायरेक्ट लर्न आपको होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सियल पॉइंट पर ले गए। हाँ, एक बात यहाँ याद रखना, वैसे तो जो मैग्नेट का जो ओरिजिन है वो मॉडर्न थ्योरी में करंट से मानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और यहाँ स्मॉल एम की जो क्वांटिटी आपने बनाई है पोल स्ट्रेंथ की, वो टोटली हाइपोथेटिकल है, ठीक। लेकिन फिर भी ये थ्योरी जो है हम पढ़ते हैं, और इस थ्योरी के अंदर जो आपका फार्मूले हैं, जैसे पोटेंशियल का फार्मूला वहाँ क्या था, 1/4πε0 आगे q/r पॉइंट चार्ज के लिए। यहाँ पर चार्ज वहाँ पर, यहाँ पोल स्ट्रेंथ, और 1/4πε0 की जगह 0/4π। लेकिन वो फार्मूले वैलिड नहीं है, फिर भी थ्योरी में देते हैं जहाँ जहाँ, जैसे कूलम्स लॉ है, क्या है, q1 q2/r² और कांस्टेंट है 1/4πε0। तो 1/4πε0 की जगह 0/4π, q1 q2 की जगह m1 m2/r², यानी चार्ज की जगह हम पोल स्ट्रेंथ रख देते हैं उन्हीं फार्मूलों में। अगर आपको कहीं क्वेश्चन आता है तो तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए फार्मूले को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला आप एक्सियल और इक्वेटोरियल के हैं उनको वहाँ पर या थोड़ा ड्राइव करके जो है आपको देखना है। दूसरी बात, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज रखते थे। अगर मान लो यहाँ कहीं प्लस है चार्ज, ठीक, और तुम्हें यहाँ फील्ड का डायरेक्शन, ये प्लस है, यहाँ फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो क्या करते थे, यहाँ प्लस रखते थे। प्लस जिधर चलेगा वो फील्ड का डायरेक्शन होगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ये आएगा, समझ गए ना। यहाँ पर हम नॉर्थ पोल रखते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो कंपेरिजन है वो हम नॉर्थ पोल से करते हैं, और निगेटिव वाले का हम इससे करते हैं, साउथ पोल से करेंगे, आप समझ गए ना। जैसे हम परमानेंट ये मैग्नेट है आपका ये वाला, और एक्सियल पॉइंट आपको मालूम इस पॉइंट पर आएगा, ठीक, जैसा कि आपने वहाँ पर डेरिवेशन किया था। ये मैग्नेटिक फील्ड है ऑन एक्सियल लाइन बाई बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, ठीक, आपको याद होगा। कि वैसे आप अगर डायरेक्शन पलट दें कोई बात नहीं है, वहाँ पर इधर निगेटिव लिया था तो वहाँ साउथ और इधर नॉर्थ, बिल्कुल सेम डेरिवेशन का मैथड। हम यहाँ थ्योरी नहीं लिखाएंगे और ज़रूरत भी नहीं है। सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बताइए जरा। ड्यू टू साउथ हम एस और एन लिख देंगे, ड्यू टू साउथ, यहाँ डायरेक्शन किधर होगा फील्ड का, इस तरफ होगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ रखी है, ठीक, तो नॉर्थ किधर आएगा, अट्रैक्शन होगा, इसको हम लिख दे रहे बी एस, साउथ हो गया, ड्यू टू नॉर्थ फील्ड इधर होगा और ये बड़ा होगा, वो ध्यान रखना बी एन, समझ गए ना। दूसरी बात, ये दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं जरा बता दें, बी एन कितना होगा, μ0/4π, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टेट की तरह, वहाँ 1/4πε0, यहाँ μ0/4π। फील्ड का फार्मूला क्या था, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम अलग से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था 1/4πε0q/r² ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ m/r², तो m अपान बोलो डिस्टेंस, नॉर्थ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये r है ये l है, तो r-l² इसी तरह से बी एस बोलो, μ0/4π/r+l² आ गई होगी बात समझ में। अब नेट फील्ड क्या होगा, B=PN-BS, इसमें आप कॉमन ले लें, जिन लोगों को वो डेरिवेशन मालूम है उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन सा बड़ा होगा, नॉर्थ वाला, ठीक है, हमने नॉर्थ वाला पहले लिखा, R-L² / R+L²
तो समझ गए होंगे आप डेरिवेशन एक्सियल वाला। फिर क्या करते थे, इसमें एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो बनेगा आपका वो म्यू नॉट अपान 4 पाई हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसमें कि हम डिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं करते थे। अभी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम हमने लिख लिया, अंदर आप समझ गए होंगे 4RL आएगा, बाकी कैंसिल हो जाता था, और डिवाइडेड बाई यहाँ होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ ध्यान आया, पुराना डेरिवेशन। अब क्या करेंगे, अब डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम की जगह ये रखेंगे, कैपिटल एम क्या होगा स्मॉल एम इंटू 2L, तो यहाँ पर पुटअप कर दें स्मॉल एम इंटू 2L की जगह कैपिटल एम, और वहाँ पर लिख भी देना, तो क्या बना म्यू नॉट अपान 4 पाई। देखिए 2 बैलेंस बचेगा, 2 लिखिए, कैपिटल एम लिखिए, ठीक है, और ये स्मॉल एम इंटू 2L चला गया, तो यहाँ पर 2 बच गया, 2R बचा, चेक कर लें जरा कोई और क्वांटिटी आ रही हो तो, और डिवाइडेड बाई क्या हुआ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अगर आप लर्न रखें, वहाँ भी था इलेक्ट्रोस्टेट में, वहाँ पर ये ट्वाइस PR था, ठीक, वहाँ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट था, और यहाँ पर क्या होगा बोलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पर। तो इसमें जो फार्मूला निकाला है उसके बाद आपको याद होगा कि R ग्रेटर देन L करते थे, यानी कि लार्ज डिस्टेंस पर चेक करेंगे तो B इज इक्वल टू, इसमें L को यहाँ से निगलेक्ट कर दीजिए, R कैंसिल हो जाएगा एक, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये म्यू नॉट लिखा है, ट्वाइस एम अपान आर क्यूब बन गया। ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिकल में था, याद होगा इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट में 2P अपान आर क्यूब, यहाँ पर ट्वाइस एम अपान आर क्यूब, ठीक है ना। और वेक्टर फॉर्म में भी याद रखना, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो बताइए जरा किधर होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ, और नेट फील्ड किधर है, वो भी इधरी को है। इसका मतलब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हैं तो बी पर वेक्टर लगेगा और कैपिटल एम पर वेक्टर लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म लिखा जाएगा वो ये हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम बी पर वेक्टर म्यू नॉट अपान 4 पाई ट्वाइस एम पर वेक्टर और आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म बन जाए, यहाँ भी लगा सकते हैं वेक्टर इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका डेरिवेशन था एक्सियल पॉइंट का, ठीक है ना। तो इसके बाद आपने इक्वेटोरियल का डेरिवेशन किया था, याद है, उसमें कंपोनेंट निकाल कर हम इक्वेटोरियल का डेरिवेशन करते थे, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, हम इसके बाद जो है वो सेकंड लेक्चर में इसको देखते हैं, ठीक है, आप लोग कोई डाउट हो तो हमें बताना, ठीक है ना, ओके।